तीन तलाक के खिलाफ लाए गए कानून के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस कानून के सहारे जहां मोदी सरकार अपनी कामयाबी का ढोल पीट रही है, तो वहीं इसका फायदा चुनाव में भी लेने की कोशिश कर रही है। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसे खुद मुस्लिम संगठन बयां कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन ने सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए हकीकत को सामने रखा है। तो क्या है तीन तलाक कानून की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। तीन तलाक कानून से क्या देश की स्थिति सुधरी है? क्या तीन तलाक वाकई खत्म हो गया है? क्या कानून की वजह से महिलाओं की बढ़ी है परेशानी? इन सवालों को लेकर देश में अब भी बहस जारी है, जिस पर मोदी सरकार दावा करती है कि कानून ने महिलाओं की जिंदगी को बदल दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। 1 अगस्त 2019 को कानून लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 63,000 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जो कानून लागू होने के बाद 221 रह गए। लेकिन सरकार के इस दावे से उलट मुस्लिम संगठन इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को यह कानून मंजूर नहीं है और इससे महिलाओं की मुसीबतों में इजाफा ही होगा। तीन तलाक कानून असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। यह समानता के खिलाफ है और मुसलमानों को बुरा बताने वाला है। क्या मोदी सरकार केवल मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाएगी? हिंदू दलित और ओबीसी महिलाओं के सशक्तिकरण का क्या? ओवैसी ने कहा कि इस कानून की वजह से मुस्लिम महिलाओं की परेशानी बढ़ी है। केवल केस दर्ज किए जाएंगे, कोई न्याय नहीं होगा। वहीं ओवैसी के साथ साथ तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अनवर इस कानून के दुरुपयोग होने का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग कानून की आड़ में अब महिलाओं को और परेशान कर रहे हैं। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि देश में तीन तलाक का दंश अब तक नहीं मिटा है, बल्कि महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन इस हकीकत को समझने के बाद भी मोदी सरकार अपनी मुनादी बजवा रही है। बी लाइव की रिपोर्ट।